ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अपने खेल में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयोग करते रहते हैं। विश्व कप के कड़े मुकाबलों की तैयारियों के तहत वार्नर ने एक खास तरह के बैट से प्रैक्टिस किए और अब वे इसी तरह के बैट से खेल भी रहे हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वार्नर का बैट खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। इसके लिए वार्नर ने ICC से बाकायदा अनुमति भी ली है। इस सेंसर में बैक लिफ्ट के कोण से लेकर बल्ले की अधिकतम गति जैसे आंकड़े दर्ज होते हैं। ICC ने 2017 में बल्ले पर सेंसर लगाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को छोड़कर पिछले 2 साल में किसी ने इसका उपयोग नहीं किया। बेंगलुरु की कंपनी स्मार्ट क्रिकेट ने बल्ले के सेंसर के लिए खास चिप तैयार की और वार्नर उसी का उपयोग कर रहे हैं। वार्नर इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि वे जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों का बखूबी सामना कर सके। सेंसर चिप बल्ले के हैंडल के ऊपर लगाई जाती है। बल्लेबाज जब तक बल्लेबाजी कर रहा होता है तब तक चिप जो भी आंकड़े हासिल करती है वे क्लाउड स्टोरेज के जरिए मोबाइल ऐप में इकट्ठे होते जाते हैं। वार्नर को बल्ले के सेंसर से मिले आंकड़ों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। खास तौर से उन्हें बल्ले को कितनी तेजी से घुमाना है ये खास तौर से उनको पता चलता है। वार्नर ने बुमराह के खिलाफ इसका उपयोग किया जिसमें उनकी यॉर्कर का सामना करने के लिए बल्ले की अधिकतम गति से घुमाने में मदद मिली। वार्नर इन आंकड़ों के आधार पर अपनी बल्लेबाजी में परिवर्तन भी कर रहे हैं और गेंद को हिट करने के लिए बल्ले को किस गति से घुमाना है उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। फिलहाल वे अपने बैट को 85 से 90 किलोमीटर की गति से उठाकर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बुमराह जैसे स्लिंगर के लिए बैकलिफ्ट का कोण लगभग 120 टू 125 के आसपास होना चाहिए और बल्ला पहली स्लिप की तरफ से नीचे आना चाहिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के सामने बैकलिफ्ट विकेट कीपर की लाइन में होनी चाहिए। स्पिनरों के लिए बैकलिफ्ट का कोण मिनिमम 160 डिग्री और मैक्सिमम 175 डिग्री होना चाहिए। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता ने कहा कि पहले कोच वेकलिफ्ट के कोण या बल्ले की गति या बल्ले और शरीर के बीच की दूरी अपने नैसर्गिक कौशल का उपयोग करते थे। उनका कहना है कि मेरा मानना है कि अगर सटीक आंकड़े कोच की मदद कर सकते हैं तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत का कोई भी खिलाड़ी बल्ले पर सेंसर का उपयोग नहीं कर रहा है जो निकट भविष्य में बल्लेबाजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए V4 Innovative को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।